नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो लेडीज जुड़ी हैं जो डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। 25-30 साल हो गए हैं उनको यहाँ से जुड़े हुए। इनसे सवाल करते हैं कि इनका क्या कहना है, कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा आश्रम का, क्या मानना है इनका, क्या है सही सच, तमाम सवाल इनसे करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? उषा। उषा, इंटरेस्टिंग। कौन से ईयर से आप आ रहे हो आश्रम में? 1993 से जी। अब कहाँ पर रहते हो आप? रहते तो हम यही सिरसा में जी। हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं मैम यहाँ? 11 साल लगातार हो गए यहाँ रहते हैं, यही रह रहे हैं सिरसा में। जो आश्रम डेरा सच्चा सौदा है, यहाँ का माहौल कैसा है मैम? बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए हम खास करके लड़कियों को पढ़ाने के लिए आए यहाँ। आपकी लड़की कहाँ पर पढ़ती है? सा सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ के, मेरी चार लड़कियां हैं, चारों को हम यही पढ़ाए, और अब एक लड़की गर्ल्स स्कूल में इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है जी। हाँ जी। स्कूल में लड़कियों को लेकर कैसी सेफ्टी है मैम? बहुत सेफ्टी है, ऐसा तो कहीं है ही नहीं जितना सेफ्टी है। बाहर ऐसे कहीं सुविधा है नहीं, यहाँ जितनी सेफ लड़की है। आपने भी देखा होगा 4 साल पहले इसी स्कूल के लिए, डेरा सच्चा सौदा का जो स्कूल है संत रामरीन जी का, इसी स्कूल के लिए काफ़ी मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं, क्या कहना चाहोगे आप? मीडिया तो बस बिकाऊ है, पैसे के पैसे ले दे के तो काम ऐसा हुआ है, जिसको पैसे मिले हैं पैसे दे के ऐसे गाना गाया है उन्होंने, बाकी सब बातें सारी झूठी है, 100% गलत। गुफा में गए हो कभी मैम? हम तो अक्सर जाते रहते हैं, मीटिंग होती है, हम यही जब यहाँ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए आए तब से यही रह रहे हैं, तो गुफा में जाते हैं। क्या होता है मैम वहाँ पर? बस मीटिंग होती थी और सब एकदम खुली किताब थी, कोई ऐसा काम नहीं था भी, जिन्होंने कहा है सारी बातें गलत कहा है। जैसे हर युग में राम कृष्ण गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह, कोई भी ऐसे अवतार नहीं हुए हैं कि जिनकी बुराई ना गाई गई हो, सताए गए हैं। जो अवतार पुरुष हुए हैं राक्षस उनको परेशान ही करते थे, अब वही राक्षस अब भी हैं, सीन नहीं है उनके, पूछ नहीं है, वैसे बदसकल नहीं है, समाज में रह रहे हैं और बस बुराई के नुमाइंदे हैं, वह बुराई गा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। कभी भी आपने किसी से सुना अपनी बेटी से? ना, हमारे बच्चे अब भी यही हैं, अब बच्चे पढ़ पढ़ के चारों की शादियाँ हो गई, गांव में हमारी सुविधा नहीं दिए थे, ना कोई कंप्यूटर कोर्स ना कोई, हम देहात के रहने वाले थे पर अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाए। अब 4 साल होने वाले हैं संत डॉक्टर गुरमीत रामरीन सिंह जिनसा समाज में नहीं है, लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ा है 4 सालों में समाज के ऊपर? तो समाज के ऊपर तो जहाँ नशा बहुत कम हो गया था वहाँ नशे फिर बढ़ने लगे हैं, युवा पीढ़ी कितनी सुधर गई थी, हमारे तो रिश्तेदार के तमाम ऐसे थे नाना के जोड़ दिए, घर तो उनका नर्क बन गया था, स्वर्ग बन गया है, वहाँ सब प्रेम से रहते हैं, नशा पत्ती हमारे तो छा देवरानी जेठानी का परिवार है, छा भाइयों का परिवार है, पर आज के बच्चे कोई नशा नहीं कर रहे, बस गुरु जी की रहमत से ऐसा हो रहा, नहीं तो गांव में जो बीच में जो उनके तो छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, हमारे परिवार में कोई नशा नहीं कर रहा, बस ये पिताजी की रहमत है। जरूरत लगती है आपको संत जी की समाज? हाँ जी, हाँ जी, खुद यहाँ भी जो लोग बुराई गा रहे हैं वह भी ऐसे कहते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो, हम तंग हो रहे, ऐसे कहते हैं लोग। उन्होंने ऐसा समाज के लिए क्या योगदान दिया है, किया क्या है? बहुत किए हैं, पिताजी तो भलाई के कार्य किए हैं, 134 मानवता भलाई के कार्य किए हैं, सफाई अभियान किया, और सुखदुआ समाज जो है किन्नर लोग कहते थे उनको जो है अभी स्थान दिलवाया पिताजी ने, नहीं उनको कोई समाज में गिनता ही नहीं था, यहाँ पिताजी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जो है सब सारे गाते हैं, इकट्ठा बैठते उठते हैं, और जो है लड़कियाँ जिनको बेस्या लोग कहते थे गाली समझते थे उनकी भी शादी हुई भक्त योद्धाओं से, तलाक शुदा है, गरीब लड़कियाँ हैं वह भी, और पेड़ लगाना जैसे नशा छुड़वाना, किसी के घर में अगर बच्चा नहीं है तो उसको गोद ले देते हैं, कोई तो दुनिया में कोई कुछ दे के रहा
शादी है आज के ज़माने में, लेकिन यहाँ लड़का तक गोद देते हैं लोग, तो यहाँ तो बहुत भलाई के कार्य हैं और अब भी चल रहे हैं। पिताजी के मैसेज आते हैं, जब लेटर आते हैं तो पिताजी अब भी बताते हैं, जैसे कोरोना की बीमारी हुई, पिताजी अब भी बताते हैं भी जितना हो सके उतना भलाई के कार्य करो। क्या अपील करोगे आप सरकार से? बस सरकार से तो यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके उनको छोड़ दें, और समाज में तो यहाँ बहुत ज़रूरत है, युवा पीढ़ी एकदम से बर्बाद हो रही है नशे कर करके। सजा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? समाज को मिल रही है, संत जी तो बस अंदर में जैसे अवतारी पुरुष होते थे उनको सजा दी जाती थी, उनको मारने की राक्षस कोशिश करते थे, सब कुछ करते थे, अब वही यहाँ भी यही कर दिए। पर समाज को बहुत ज़रूरत है संत जी की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन की आवाज़, समाज को सजा मिल रही है जब से संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा समाज में नहीं है। दोस्तों आप लोग भी खुले दिमाग से जरूर सोचिए, लगातार हजारों लाखों करोड़ों लोग आज भी उनके साथ खड़े हैं और हजारों लोग आपके सामने चीख चीख कर बता रहे हैं कि झूठा बदनाम किया गया, झूठा फंसाया गया। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के डालिएगा, देखते रहिएगा द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।